आपके ऑफिस से आई हुई हूँ। तो ये दिल्ली के चुनाव में आप दिल्ली नहीं आ सकते, तो आप अपना आवाज कैसे उठाएंगे? देखिए, हमारे एडवोकेट्स ने मुझे बताया कि इस तरह की फाउंडेशन लगाई गई, वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं जेल में था तब भी पत्रों के माध्यम से अपनी बात कह रहा था। मैं प्रयास करूंगा कि न्याय के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है उसकी आवाज दबे। मैं सभा नकवी हूँ, मैं इंडिपेंडेंट पत्रकार हूँ। सीधा सवाल ये है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहाँ बहुत एक बड़ी दलित पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। आपका उनसे क्या रिश्ता है? क्या उनकी लीडर ने कुछ कहा है? आपने कुछ नोटिस किया है? और दलित समुदाय को जो रिप्रेजेंट करती है पार्टी, इतनी बिखरी हुई क्यों है? और आप बार बार, दूसरा सवाल ये भी है, आपको क्या लगता है? क्या आपको क्या लगता है क्या वजह है कि आपको बार बार जेल भेजा जाता है? पहले सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा कि एक यूपी से मैं आता हूँ और यही दायरा मैं खत्म करना चाहता हूँ कि जो मुल्क में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मैं वहां जाके अपनी बात को रख सकूं, मैं कमजोर लोगों की बात। दूसरी बात, आपने कहा वहां एक बड़ी पार्टी है, उनके एक बड़ी नेता है। राजनीति से बड़ा आज मुल्क है इस दुनिया, इस मुल्क से बड़ा कोई नहीं। ये सब चीजें मेरे लिए व्यर्थ है। मेरे लिए सबसे पहले अपना मुल्क है, उसकी एकता है, उसका भाईचारा है, और उसके लिए पहले भी आजादी के लिए लोगों ने बलिदान दिए, हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिए। भगत सिंह उसका उदाहरण है। आप बहन मायावती के लिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मैंने क्या कहा आज सवाल बहन मायावती ने? और देखिए, मुझे आप पे बड़ा बोल हो रहा है कि आज के इतने कठिन समय में भी आप बहन मायावती को ढूंढ रहे हैं। देखिए कहेगा जब की बात, आज तो एनआरसी सीए प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री जी को पूछने का समय, मन की बात करने की जगह उनको चाहिए कि साइड बाग चले जाए, उन लोगों को हमारी बहनों को समझा दें। 31 दिन से बैठी हुई है देश की वो, जिनको वो महिलाएं जिनको देवी कह के पूजा जाता है, जिनका सम्मान होता है, उनकी तकलीफ को सुने। बताया था कि उन्होंने दलितों की आवाज कांग्रेस में उठाना चाहा तो वहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिसको लेकर वो अलग पार्टी 19 तारीख को अनाउंस करने जा रही है। इस संदर्भ में मैंने आपका भी जिक्र किया था कि जो दलित हमारे भाई हैं और उनसे हम दूर नहीं है, इसके बारे में आपने देखिए मैं आपकी कब उनसे बात हुई, वो कब क्या कर रहे मुझे मैंने नहीं बताया। मैंने बताया ना, मैं कभी बहुजन समाज किसी नेता के खिलाफ या किसी के उसमें नहीं खड़ा होता। मेरे लिए वो सब लोग राजनीति से अलग मेरे परिवार का एक बड़ा हिस्सा है। तो रही बात उनकी, वो कुछ कर सकती है तो यही तो देश का पॉलिटिशियन याद देता है। एक सिंगल आदमी भी अपने कुछ लोगों को जोड़ के पार्टी बना सकता है। यही ताकत जो है हमें इस मुल्क में बड़ी से बड़ी ताकत और सरकार के खिलाफ खड़े होने की भी याद देती है, तो ये उनका अधिकार। मैं रंजीता न्यूज 18 से हूँ। मोहन भागवत ने एक सीएए पर बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सीएए से सरकार पीछे नहीं हटेगी। तो सरकार ने तय कर लिया है कि जो है वो वैसा ही रहेगा। आप लोग जो कर रहे हैं, क्या आप ही पीछे हटेंगे या फिर आपने खत्म हो गई? आपने कहा मोहन भागवत जी ने बयान दिया जी। मोहन भागवत जी सरकार में है क्या? कोई मुझे डिफाइन करे। अगर यही सच है, इसी सच को तो उजागर कर रहे हैं कि आरएसएस की भाजपा है, भाजपा ही आरएसएस है, और उनका एजेंडा सब लोग जानते हैं। बच्चे लोग कोर्ट में सब लिखा हुआ है, वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने, इसकी सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं सब लोग हिंदू हैं। ये सब चीजें जो कहने की बातें हैं, यही तो मैं महसूस करा रहे हैं कि ये आरएसएस के लोग खुश करने के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे इन्हें भी नहीं पता था कि इतना बड़ा बवाल है। ये तो सरकार में बैठे हुए इनको पास दिए हुए हैं कि साहब आप ये करो, आप ये करो, ऐसे तभी तो वो इतने दम से बयान दे रहे हैं। अगर वो इतने दम से बयान दे रहे हैं कि पीछे नहीं हटेगी सरकार, इसका मतलब सरकार उनके साथ तो चल रही है। मैं ये आपको स्टेटमेंट देता हूं कि बलिदान हो जाएंगे, लेकिन ये जो विरोध जो संवैधानिक और पूर्ण रूप से सत्य विरोध है, न्याय की लड़ाई है, चाहे इसमें एक नहीं 1000 बार जेल जाना पड़े, फांसी भी लग जाएंगे, लेकिन सरकार के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। इस काले कानून से अपने लोगों को, पूरे मुल्क के जो लोग जिनको बंटवारे में झोंका जा रहा है, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, और इसको जीतेंगे भी, क्योंकि उनके लिए चुनावी एजेंडा है। हो सकता है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद खत्म हो जाए, वो वापस भी चले जाए। हमारे लिए चुनावी एजेंडा नहीं है। उनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा कम है, सीटें बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं अपना काम, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम है मुल्क में विपक्ष यही तो है। अब विपक्ष अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रहा, तो हमारी आम आदमी की जिम्मेदारी बनती है। 51A यही तो कह रहा है,
कोई संविधान के खिलाफ जाए तो आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कर। और हमारे जज साहब ने तो यही कहा है ना कि संवैधानिक राइट्स है चंद्रशेखर, वो तो कानून की पारी करे, वकील है, अदालत में भी अगर वो कर सकता है तो यही तो अच्छा है। सरकार और पुलिस मिलकर मारे तो कम से कम माने न्यायपालिका हमारे साथ खड़ी। जी मैं आपको चंद्रशेखर बुलाऊं या आजाद बुलाऊं या रावण बुलाऊं पहले ये बता दें। आप मुझे कुछ भी बुलाएं, आपका सवाल सीधा मुझसे, ये बात स्पष्ट हो चुकी। आप मुझे भाई बुलाएं ये भी बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो भाई आपके नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में जानना चाहूंगी कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सेंटर करने वाले थे दिसंबर न्यू ईयर के अराउंड, पार्टी का लॉन्च होने वाला था जो अनफॉर्चुनेटली आप चेयर में थे, तो अभी क्या आपका थॉट प्रोसेस है, अभी कितना मोबिलाइज आप कर पा रहे हैं दलित समुदाय को और आगे के बेसिकली नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एक्शन? देखिए मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि यहाँ जो ये सामने वाली दो पंक्तियां हैं और ये इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए कि हमें महिलाओं के पीछे खड़े होकर भी, क्योंकि वो ताकतवर है, उनके पीछे खड़े होकर भी उनके नेतृत्व में काम करना आना चाहिए, तो ये बड़ी ताकत है। इसका मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सवाल पूछने में पहले बहुत ज्यादा है। आपका सवाल था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, मैंने 12 तारीख के लगभग दिसंबर में जब हम लखनऊ में थे तो हमारी पूरी टीम इस पर पुकार रही थी, क्योंकि लंबे समय से ये हो रहा है कि सरकार जब चाहती है उठा के जेल भेज देती, तो सबकी ये राय थी कि हमें आना चाहिए, हमने इस पर स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन जब मुल्क में राजनीति से बड़ा ये मुल्क तोड़ने वाला कानून आ गया तो हमें लगा कि नहीं, राजनीति बाद की बात है, सबसे पहले हमें अपने लोगों को सुरक्षित करना है, इसलिए आज समय की जरूरत इस काले कानून के खिलाफ इस आंदोलन को मजबूत करने की, अपने लोगों को जगाने की। जैसे प्राइम मिनिस्टर जाकर रैलियां करके जगाएंगे, हम चाहते हैं कि इतनी सी मेहरबानी माननीय न्यायपालिका हम पे भी करे कि हमें भी इजाजत दे प्रोटेस्ट करने की, अपनी बात को रखने की, हमें भी सफाई करने की इजाजत मिल जाए। तो ये झूठ बोलेंगे हम उसको उसका सच बताएंगे। हमने तो जेल में भी एनआरसी पढ़ाई, उन लोगों को पुलिस के स्टाफ को पढ़ाई, डॉक्टर्स को पढ़ाई, जिन लोगों ने हमसे कहा चंद्रशेखर तुम वहां क्या करे जमा मस्जिद, हमने बताया कि जमा मस्जिद तो यही है इस देश में, देश की राजधानी की शान है, ताजमहल भी, ये जो ऐसी जगह है ये शान है, तो हम वहां इसलिए गए कि हमारी आवाज आप तक चली जाए। फिर उनसे पूछा कि ये एनआरसी क्या है, तुम क्यों विरोध करे, तो हमने बताया कि सबसे बड़ी मार तो हमें पड़ेगी उन्हें जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, और जिन आदिवासियों को रोज किसी की सरकार आती है आदिवासी क्षेत्र में, वो भूमि को तैयार करते अपने नहरे हो गए तो सरकार उसे हटा देती है, इंडस्ट्री को देती है। तो ऐसे जो आदिवासी अपनी जमीनें खो चुके हैं, जिन्होंने कुछ जैसे अभी इंडस्ट्रियल एरिया बने तो लोगों की जमीन उसमें चली गई, कुछ सरकार ने भूमि अधिग्रहण में ले ली, कुछ जमीनें जो है सरकार को लोगों ने बेच दी वो भी भूमिहीन हो गए, अब उनका क्या होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। अब क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता ना कि सिर्फ मुसलमान को दिक्कत है, क्योंकि असम में मुसलमान कम रह गए थे 14.5 लाख तो ये थे, तो यहाँ हर प्रदेश में क्या होगा, असम तो इतना सा, यूपी में तो असम के 20 हिस्से बनेंगे, तो ये वन गुजरों को आंतरिक नागरिकता नहीं मिली, क्या तमिलों को नहीं परेशानी हुई श्रीलंका में, क्या तिब्बत में बौद्धिस्टों को परेशानी नहीं हुई, तो फिर यही क्यों, ये तो सिनेरियो बनाया गया है, ये सिर्फ क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया तो और कुछ बचा नहीं, किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से पोलराइजिंग करें, ये बस था और कुछ, अब इसे बाकी लोग जाग रहे हैं ये सबसे बड़ा। जी मैं सुपर्णा शर्मा एशियनेट से दोबारा से वही सवाल पूछूंगी, अब आप प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं दिल्ली में तो अब कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, पहला सवाल। दूसरा प्लीज भूलिएगा मत, वो ये है कि जैसे सभा ने पूछा आपको क्यों बार बार अरेस्ट कर लेते हैं। आपने दोबारा टोका नहीं, देखिये पहला तो जो है ना मैं घर लौटूंगा, जैसे मैं कानून का पालन करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, संविधान का पालन करना मेरी प्रथम जिम्मेदारी, मैं जाऊंगा फिर मैं वहां से अपने साथियों से प्रयास करूँ, क्योंकि 22 लोग के लगभग जो है हमारे भाई यूपी में पुलिस की गोली द्वारा मरे, इसलिए मैंने कहा कि हमारी गोली हमारी जान गोलियों से ना ली जाए, हमारा ब्लड चेक करवा लिया जाए, एक बार प्राइम मिनिस्टर भी चेक दे दें हम भी दे दें, पता लग जाए किसका किसके ब्लड में भारतीयता ज्यादा है ना, हम तो सदियों से पिटे तब भी हमने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की, यहीं रहे, कहीं जाने की बात नहीं की, अलग देश की मांग नहीं की, तो हम मुझे लगता है हमें भारतीयता ज्यादा है, इसलिए ब्लड टेस्ट कराने की बात कर रहा हूं। तो रही दूसरे सवाल की बात कि आंदोलन तो जारी रहेगा बहन, पूरे देश में चल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, लोगों को समझ आ गया, पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जामिया में आंदोलन करने वाले अनपढ़ लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग स्कॉलर्स हैं,
वो विरोध कर रहे हैं। अरेस्ट इसलिए कर ले जाता है कि सरकार बार बार एजेंडे लेके आती है, किस तरह से डिवाइडर रूल के वो अंग्रेजों वाली पॉलिसी लागू करे, उस बीच में उनके उस पॉलिसी के बीच में चंद्रशेखर आप खड़ा रहता, क्योंकि एक ईमानदार आदमी उसकी ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत है, उसका कद बहुत छोटा सा है लेकिन ईमानदारी उसकी बड़ी ताकत, तो बीच में खड़ा हो जाता तो वो जैसे ग्रहण हो जाता ना, मैं ग्रहण बन गया, उनकी ऊर्जा इस तरफ नहीं जा पाती। अभी भी तो यही हुआ, देखिए सब लोग जा सकते हैं दिल्ली, सब लोग सारे प्रोटेस्ट में आके भाषण दे सकते हैं, लेकिन एक दलित समाज का बच्चा नहीं जाके दे सकता, क्योंकि मेरे वजह से माहौल खराब होगा। सबको आजादी है, बस मेरी आजादी मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए परेशानी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि वो जो एजेंडा लागू करना चाहे चलते उसके बीच में बाधा, अब आगे वो मेरे लिए क्या प्लान करेगी इसका मुझे